एक इंसान को हम खाना तभी खिला सकते हैं जब उसका मुंह खुला हो या फिर जब उसको भूख हो, राइट? अगर किसी इंसान को भूख ही नहीं है, वो अपने मुंह ही नहीं खोल रहा, तो क्या हम उसे ज़बरदस्ती खाना खिला सकते हैं? नहीं। चलो किसी तरह उसके मुंह में भी हम डाल देंगे, पर वो थूक सकता है बाहर। क्यों? क्योंकि उसे खाना ही नहीं है, उसे रिसीव ही नहीं करना है फूड को। सेम वे जब हम किसी और के लिए कुछ क्रिएट करते हैं ना, चाहे वो हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो, लव हो, कुछ भी हो, वी कैन ओनली क्रिएट दिस फॉर अदर्स जब वो भी चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि जब वो किसी चीज़ को चाहते हैं और हम भी उनकी मदद करें कि हाँ भाई इसे वो चीज़ मिल जाए, वो पर्सन ऑलरेडी ओपन है पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए। इसलिए हम सबकी प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान तक पहुँचती है। बट जब वो इंसान खुद ही कोई चीज़ को नहीं पाना चाहता, वो किसी और चीज़ को पाना चाहता है, तो हमारा मैनिफेस्टेशन कितना पूरा होगा कितना नहीं, इसमें डाउट ही होता है, ये श्योर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई इंसान बहुत बीमार है और हम चाहते हैं कि वो इंसान हेल्दी हो जाए, लेकिन वो इंसान होप्स हार रहा है, वो ऊपर ऊपर से बोल रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं बच सकता, ऐसे वैसे कुछ भी बोल रहा है। बट भले ही वो कुछ भी बोल रहा है, पर वो डर के मारे ये सब बोल रहा है ना, उसे डर लग रहा है कि वो ज़िंदा नहीं रहेगा। बट वो इंसान ज़िंदा रहना चाहता है, वो इंसान हेल्दी रहना ही चाहता है अंदर से, समझ रहे हो? तो इस केस में हम अगर उसकी हेल्थ के लिए, उसकी लाइफ के लिए प्रे करेंगे, इट विल डेफिनेटली वर्क। बट कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे हम चाहते हैं कि किसी इंसान की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए, हम ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट वो इंसान बिजनेस करना चाहता है, वो जॉब करना ही नहीं चाहता, उसका गोल है ही नहीं वो, फिर भी हम ज़बरदस्ती जॉब 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 क्रिएट कर रहे हैं, तो वो पर्सन हमारी एनर्जीज़ को रिसीव नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि उसका ध्यान, उसका डायरेक्शन, उसका फोकस किसी और चीज़ पर है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। इफ़ आपको नहीं समझ में आया तो स्लो करना वीडियो की स्पीड सेटिंग्स में जाकर और फिर से एक बार सुनना, क्योंकि आई डोंट थिंक कि और ज़्यादा एग्जांपल्स देने की ज़रूरत है। तो पूरे मैसेज का पॉइंट ये है कि जब सामने वाला भी चाहता है कोई चीज़, अंदर से हो या बाहर से, एनीवे, तो हम भी उसको वो चीज़ पाने में हेल्प कर सकते हैं। बट सामने वाला चाहता ही नहीं है कोई चीज़, तो हम उसको कितने हेल्प कर पाएंगे कितना नहीं, ये श्योर नहीं है। समटाइम्स मिराकल कैन हैपन, समटाइम्स इट कैन नॉट, डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। लेकिन इस पूरी बात का एक तीसरा एंगल भी है जो कि मुझे समझ आता है, वो ये है कि जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे हमारी विश की तरह मैनिफेस्ट करना चाहिए, ना कि उस पर्सन की विश की तरह। जैसे जॉब वाला एग्जांपल मैंने दिया कि मैं चाहती हूँ उस पर्सन को जॉब पे जाते हुए देखना, तो मैं ये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मैनिफेस्टेशन भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है, कि हम तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं हमें हमारे हिसाब से, हमें क्या देखना है उस हिसाब से, लेकिन वो सामने वाला इंसान जिसके लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लाइफ के लिए क्या अच्छा है, उसके लाइफ के लिए क्या बेहतर चॉइस होगी इस टाइम, यूनिवर्स को वो भी देखना होता है, बिकॉज एवरी पर्सन गेट्स द बेस्ट थिंग फॉर हिम। जिसके लिए जो बेस्ट है, बहुत अच्छा है, वही उस पर्सन को मिलता है। तो अगर जॉब सच में उस पर्सन के लिए अच्छा होगा ही नहीं, तो वो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स एक साथ काम करते रहते हैं, इसीलिए ना जो कुछ भी हो रहा है, एक्सेप्ट इट एंड बस मन में पॉजिटिविटी रखिए, यही बोलूँगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टुडेज मैसेज। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। हैव अ वंडरफुल, ब्यूटिफुल, अमेजिंग डे। बाय।